नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। पंचायत चुनाव के एक नए अपडेट के साथ हाजिर हूँ मैं रत्नसेन भारती। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। अब गांव के चौक चौराहों पर पंचायत चुनाव की सरगर्मियां देखी जा रही हैं। सुबह की चाय के साथ चुनाव की बात होनी शुरू हो गई है। इधर चुनाव को लेकर आयोग भी अपनी तैयारी पूरी करने में लगा है। पिछले कई दिनों से चुनाव आयोग लगातार चुनाव को लेकर अपडेट जारी कर रहा है। चुनाव आयोग के अधिकारियों की माने तो बहुत जल्द चुनाव के तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। ऐसे में प्रत्याशी अब मतदाता के द्वार पर पहुंचने लगे हैं और अपने अपने दावों और वादों से आम जनता को रिझाना शुरू कर दिया है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने नामांकन की भी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर किसी भी एक पद के लिए कोई प्रत्याशी अधिकतम 2 सेट में ही नामांकन दर्ज दाखिल कर सकता है। हालांकि उस प्रत्याशी को एक ही नामांकन शुल्क देना होगा। राज्य में 2,98,898 पदों के लिए चुनाव कराया जाना है। पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए शुल्क भी निर्धारित कर दी गई है। आइए एक बार जान लेते हैं पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान किस प्रत्याशी को कितना पैसा जमा करना होगा। जिला परिषद सदस्य के जो प्रत्याशी होंगे उन्हें 2,000 रुपये देना होगा। वहीं मुखिया के जो उम्मीदवार होंगे उन्हें 1,000 रुपये देना होगा। सरपंच पद के लिए जो उम्मीदवार होंगे उन्हें 1,000 रुपये देना होगा। इसके साथ ही पंचायत समिति सदस्य को भी 1,000 रुपये देना होगा। अब बात करते हैं वार्ड सदस्य की, तो इन्हें मात्र 500 रुपये के साथ अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसके साथ ही पंच पे जो उम्मीदवार होंगे, पंच के जो प्रत्याशी होंगे उन्हें भी मात्र 500 रुपये से अपना नामांकन करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पंचायत चुनाव में किस्त आजमाने वाले में सबसे कम नामांकन शुल्क वार्ड सदस्य को यानी कि पंच और वार्ड सदस्य के अभ्यर्थियों को चुकाना होगा। वहीं पर्चा भरने के दौरान महज 250 रुपये का शुल्क आयोग को देना होगा। अहम यह है कि महिला SC ST व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से महज आधा नामांकन शुल्क लेने का प्रावधान है। मसलन की वार्ड सदस्य और पंच पद पर महिला SC ST व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को महज 125 रुपये का नामांकन शुल्क देना होगा। वहीं आयोग ने मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों के नामांकन शुल्क के प्रति 1,000 रुपये निर्धारित किया है। इन दोनों पदों के लिए महिला SC ST व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को भी आधा शुल्क के रूप में यानी कि 500 रुपये देने होंगे। जिला परिषद सदस्य के रूप में नामांकन करने पर नामांकन शुल्क 2,000 रुपये प्रति सदस्य निर्धारित है, जबकि महिला SC ST एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को 1,000 रुपये नामांकन शुल्क देना होगा। नामांकन करने के बाद यह शुल्क किसी भी दशा में प्रत्याशी को वापस नहीं किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2016 में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पर्चा भरा था। इसमें आधे से अधिक उम्मीदवार नए थे। आयोग ने राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान 6 पदों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें से मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य शामिल है। मार्च से मई के बीच में 8,387 ग्राम पंचायतों में इतने ही मुखिया और सरपंच के लिए चुनाव होना है, जबकि वार्ड सदस्य और पंच के 1,14,667 पदों के लिए उम्मीदवार चुने जाएंगे। पंचायत समिति सदस्य के 11,491 और जिला परिषद सदस्य के 1,161 पदों के लिए चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव 2021 में होने वाला पंचायत चुनाव कई मामलों में अलग होगा। सबसे बड़ा बदलाव मतदान प्रक्रिया को लेकर किया गया है। इस बार का मतदान EVM के माध्यम से कराया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए एक मतदान केंद्र पर 700 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयोग ने उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की भी घोषणा कर दी है। बिहार में EVM से पंचायत चुनाव करवाना आपके हिसाब से कितना सही है? बिहार और बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के नए अपडेट के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।